विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने बीजेपी के प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ को चुनौती दी है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो गुरदासपुर से चुनाव लड़े। बाजवा ने ये चुनौती तब दी जब गुरदासपुर की बीजेपी सांसद और फिल्म कलाकार सनी देओल ने अगला चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। वहीं सुनील जाखड़ भी आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। दूसरी ओर प्रताप सिंह बाजवा ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मनप्रीत वो नेता है जिस पार्टी में जाते हैं उसका भोग पड़ जाता है। बाजवा मंगलवार को पंजाब सरकार द्वारा पंचायतों को भंग करने के खिलाफ दिए गए राज्य स्तरीय धरने में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। पूर्व वित्त मंत्री पर हमला बोलते हुए बाजवा ने कहा, मनप्रीत जिस पार्टी में जाते हैं उस पार्टी का भोग पड़ जाता है। शिरोमणि अकाली दल का भोग डालने के मुख्य आर्किटेक्ट मनप्रीत ही थे। कांग्रेस पार्टी से भी गलती हुई। कांग्रेस का भोग डालने के बाद अब वो बीजेपी में चले गए। मनप्रीत बादल अंतिम अरदास करने के प्रोफेशनल हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ पर निशाना साधते हुए बाजवा ने कहा, सुनील जाखड़ ने घोषणा की है कि उनको छोड़कर पूरी बीजेपी चुनाव लड़ेगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर जाखड़ में हिम्मत है तो वो गुरदासपुर से चुनाव लड़े। बाजवा ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, 2017 में जब पूरी कांग्रेस जीत गई जाखड़ को लोगों ने नकार दिया। इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें 4.5 साल तक प्रदेश प्रधान की जिम्मेदारी सौंपी। अब वो बीजेपी के गोद में बैठ गए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।